अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल्स के बारे में, कि डार्क सर्कल्स क्यों हो जाते हैं और अगर हो जाए तो इनसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि डार्क सर्कल्स क्यों हो जाते हैं, फिर अपनी रेमेडी स्टार्ट करेंगे। डार्क सर्कल्स होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम रात को देर तक जागते रहते हैं और हम सोएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि डार्क सर्कल्स से तो होना ही होना है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तभी हमें डार्क सर्कल्स का इशू ज़रूर होता है। तकरीबन 100 में से 98% लोगों को डार्क सर्कल्स का इशू ज़रूर रहता है, और आपको यूट्यूब के ऊपर हज़ारों के हिसाब से रेमेडीज़ मिल जाएंगी डार्क सर्कल्स के बारे में, कि आप डार्क सर्कल्स से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर बहुत ही अच्छा थंबनेल लगाया होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि आप हमारी इस रेमेडी को ट्राई करें, आपको इसके रिज़ल्ट 3 दिन में मिल जाएंगे। यानी कि आपके डार्क सर्कल्स 3 दिन में चले जाएंगे। यहाँ तक कि वो 7 दिन का चैलेंज भी दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ बातें हैं। जब तक आप किसी भी रेमेडी को 1 मंथ तक यूज़ नहीं करते या 15 डेज़ तक यूज़ नहीं करते, तो आपको उस रेमेडी के रिज़ल्ट नहीं पता लगते। ये क्या कि आपने कोई रेमेडी एक दिन यूज़ करी है तो अगले दिन ही उसके आपको रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। और ये लोग जो कहते हैं वो सिर्फ फजूल बातें करते हैं, इसलिए आप उनकी बातों पर गौर ना करें और तवज्जो ना दें, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपने आज कोई रेमेडी यूज़ करी और कल आपको उसके रिज़ल्ट मिल जाए। तो चलिए आज आप अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। आपको इतनी देर से दो चीज़ें पड़ी हुई दिख रही होंगी, एक एलोवेरा जेल है और एक विटामिन ई कैप्सूल्स। ये बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। तो चलिए अपनी आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये रेमेडी बहुत इजी है और बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बनने वाली है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हमने इसको इस तरह से बनाना है, हमने 1 चम्मच एलोवेरा जेल का लेना है और 2 विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं। इसका हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट बना लिया है इस तरह से। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है, और हमने एक छोटे से कंटेनर में इसको रख लेना है, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। ये आपका 15 दिन आराम से निकल सकती हैं, ये आपके 15 दिन इसमें आराम से चल जाएंगे। आपने इसको 15 दिन यूज़ करना है और 15 दिन के बाद अगर ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसको दोबारा से फिर बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको इस कंटेनर में स्टोर करके फिर में स्टोर कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको इसमें स्टोर कर लेना है, और हमने इसको अप्लाई रात के टाइम करना है। रात को जब हम सोने लगेंगे तो सोने से पहले हमने इसको अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर लेना है, और ये तकरीबन आपने 15 दिन तक डेली बेसिस पर करना है, फिर ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे इस रेमेडी के। आपको अगर मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, प्यार बांटें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।